हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इस ब्लॉग में कुछ नया होने वाला है, तो बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। हमारे साथ चच्चू भी हैं, तो लेके चलते हैं आपको एक नई जगह। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं उसी जगह पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेन गेट है छोटे सरकार का, तो ये बदायूं में पड़ता है। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे आपको पूरा सब कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा क्या क्या है इसके अंदर। तो अभी यहाँ पे मेन गेट से हम जा रहे हैं अंदर, तो अभी आपको लेके चलते हैं, बने रहिए इस वीडियो में। तो गाइस, छोटे सरकार बड़े सरकार के छोटे भाई थे। तो यहाँ पे जैसे ही आप गेट के अंदर एंटर करोगे, तो जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहीं पे अपनी बाइक या जो भी वाहन आप लेकर आओगे वहाँ पे आप पार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जो भी आपकी श्रद्धा बनती है, आपको जितना आपको प्रसाद लेना है आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सच बात आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही मैं गेट के अंदर एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे अजीब सी शांति महसूस होने लगी, यानी बहुत ही सुकून प्राप्त होने लगा। तो छोटे सरकार के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, इनका जो असली नाम था हजरत बद्रुद्दीन शाह था, जो कि छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं। अभी हजरत बद्रुद्दीन साहब बड़े सरकार के छोटे भाई थे, इनको छोटे सरकार के नाम से प्रसिद्धि मिली। ये सुल्तान उल आरफीन के शिष्य थे। छोटे सरकार की रुचि भी बचपन से धार्मिक विषयों में थी। बड़े होकर ये भी अरब छोड़कर अपने भाई के भांति बदायूं के निकट एक शांत क्षेत्र निवास में रहने लगे। छोटे सरकार को भी बहुत ही ज़्यादा दिव्य शक्तियाँ इनके पास थी। इन दिव्य शक्तियों के बारे में तरह तरह की मान्यताएँ हैं। प्रचलित है कि एक मान्यता के अनुसार एक बार यहाँ पे चार व्यक्ति छोटे सरकार के पास आए, उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त सोना उनको दिखाया जो उन्हें गुरु के सेवा करने के बदले मिला था। छोटे सरकार ने उनसे कहा कि इस सोने को कुएं में फेंक दो, फिर कुएं में फेंकने उन लोगों ने उसको सोने को कुएं में फेंक दिया। छोटे सरकार ने अपनी दिव्य शक्तियों के अनुसार जैसे उनसे बोला कि चार बाल्टी अपने भर के लेकर आओ पानी की उस कुएं से। तो चार बाल्टी वह भर के लेकर आए, तो अब छोटे सरकार ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके उन जो चार बाल्टी भरी थी उनको सोने में तब्दील कर दिया। तो इस प्रकार वो लोग चार लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यानी कि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं मरीज या चाहे किसी भी रोग से ग्रस्त हो, किसी से भी हो, यहाँ पे अगर एक बार अगर आप पहुँच गए तो यहाँ पे आप यहाँ समझ लो खाली हाथ नहीं जाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटे सरकार की दरगाह है। यहाँ पे इनका पूरा परिवार, यहाँ पे जो भी फैमिली थी उनके भी लोगों की यहाँ पे दरगाहें हैं, बच्चे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूल्हे मियाँ, यानी इनकी जो इनके बहनोई थे वो भी यहाँ पे उनकी दरगाह थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे आपको जो कि बुरी शक्तियों से ग्रस्त होते हैं उनको भी यहाँ पे यानी कि छुटकारा मिल जाता है। तो यहाँ पे यह आपने देखा। तो अभी हम जाएंगे बड़े सरकार के पास, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़े सरकार के बारे में भी आपको दिखाऊँगा। तो अभी हम बाइक से यहाँ पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बड़े सरकार के बारे में भी आपको थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ। बड़े सरकार यहाँ पे बिल्कुल इनके समीप ही, लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी अगर आप बाइक से जाते हैं, किसी से जाते हैं। वैसे तो बिल्कुल अगर आप डायरेक्ट आओगे शॉर्ट रास्ते से तो आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं, बिल्कुल समीप ही पड़ते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे सरकार के बड़े भाई बड़े सरकार की दरगाह है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो किसी ब्लॉग में आपको पूरा ब्लॉग आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इनका दावा था कि जो भी मरीज इनके पास आता है अगर वो 1 या 2 दिन में सही नहीं होता है तो आप उन्हें जिंदा दफना सकते हैं, ऐसा वो कहते थे। यानी कि मरीज 100% सही होगा ही होगा, ऐसा उनका दावा था। और आज भी हर एक मरीज यहाँ पे सही होकर ही जाता है। तो गाइज, ये था छोटा सा ब्लॉग छोटे सरकार और बड़े सरकार के बारे में। मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, ज़्यादा कुछ आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। तो यहाँ पे आप अगर विजिट करना चाहते हो आपको विजिट जरूर करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है। यहाँ पे जो भी कोई आता है हर किसी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पे ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बदायूं जिला में पड़ता है, तो यहाँ पे आपको जरूर विजिट करना चाहिए। तो इस ब्लॉग में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी भी दबाएँ ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।